आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा नेता पर लगे गंभीर आरोप, सपा नेता की बेटी को भगाने के लगे आरोप। पारा गिरने से फसलों की भारी क्षति, सरकार से आर्थिक सहायता की मांग। दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर, खुले में शौच जाने को मजबूर हो रहे हैं लोग। खटारा लिफ्ट में 10 मिनट तक फंसे रहे बच्चे, जिम्मेदार नहीं रहे मामले में सुध। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां के कुर्सी रोड स्थित जानकीपुरम में सृष्टि अपार्टमेंट में, जिसमें हर हफ्ते लिफ्ट फंसती रहती है, वहां विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई अपार्टमेंट के लिफ्ट में दो बच्चे फंस गए, जिसके बाद अपार्टमेंट में निवासियों का कहना है कि लगातार लिफ्ट में हो रही समस्याओं को लेकर प्राधिकरण के जिम्मेदारों से शिकायत भी की जा रही है, लेकिन अपनी लचर कार्यशैली से ग्रस्त जिम्मेदार अभियंताओं द्वारा स्थायी समाधान तक नहीं ढूंढा गया, जिसकी वजह से परिसर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ के जानकीपुरम में सिस्टरी अपार्टमेंट में लगातार लिफ्ट फंसने की खबरें सामने आ रही थी, वहीं इस बार लिफ्ट फंसी, जिसमें दो बच्चे फंस चुके थे। वहीं लगातार वहां के निवासियों का कहना है कि प्राधिकरण की तरफ से कोई सुध नहीं लिया जा रहा है, जिम्मेदार इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहे हैं। लगातार सिस्टरी अपार्टमेंट में लिफ्ट फंसने की खबर सामने आती रहती है। बता दें कि लखनऊ के जानकीपुरम में सृष्टि अपार्टमेंट में लगातार लिफ्ट फंसने की खबर सामने आती रहती है, वहीं इस बार लिफ्ट फंसने की खबर सामने आई है, जिसमें दो बच्चे फंसे हुए हैं। बता दें कि वहां के निवासियों का लगातार यही कहना है कि प्राधिकरण इस पर कोई सुध नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारों से शिकायत करो तो इस बारे में वो कोई सुध नहीं ले रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, देखा जाए लगातार सृष्टि अपार्टमेंट में लिफ्ट फंसने की खबर आती रहती है, इस बार उसमें दो बच्चे फंसे हुए थे। देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो खामियाजा भुगत रहे हैं, वो वहाँ के आवंटी भुगत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात ये आ रही है निकल करके, जो उनके खटारा लिफ्ट लगाया जाए, जो उनकी कंपनियां जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कमियां छोड़ दी हैं, जिसका खामियाजा लगातार आवंटी फ्लैट के भुगत रहे हैं। अभी ये हाल की ही बात है, जो कल ये लिफ्ट फंसा है, लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया था, दो बच्चे साथ में थे, वो कहीं जा रहे थे, लिफ्ट से उतर रहे थे और अचानक फंस जाते हैं। करीब 10 मिनट तक इस लिफ्ट में बच्चे फंसे रहते हैं, उसके बाद किसी तरीके से इनको बाहर निकाला जाता है। इस तरीके से लगातार अभी तक सृष्टि अपार्टमेंट में कम से कम ये 15वां मामला है, और इसको लेकर के कई बार यहाँ पे आवंटित शिकायत भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से LDABC से कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से किसी भी प्रकार का उनको मदद नहीं किया जा रहा है, ना कोई बात की जा रही है। फिलहाल अभी जो भी समस्या हो, जस्ट की प्रश्न बनी हुई है। अब इस तरीके से अगर लिफ्ट फंसते रहेंगे तो किसी को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, कोई बीमार भी हो सकता है। 10-10, 12-12 मंजिलों का जब इमारत खड़ी कर दी जाती है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण उस पर ये नहीं सोचता है कि आखिर वहां से उतरने का और जाने का साधन क्या होगा। रख रखाव की व्यवस्था नहीं होती है, RWA को ये पूरा हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिलहाल अभी ये RWA को हैंड ओवर नहीं है, अभी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंडर में ही सृष्टि अपार्टमेंट, जनेश्वर और स्मृति और सरगम आता है। लगातार जिस तरीके से इस सृष्टि अपार्टमेंट में अभी कुत्ते काटने का भी माहौल चल रहा था, कई बच्चों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था, ये अनियमितता थी, कहीं ना कहीं जलभराव हो रहा था, उसको लेकर के भी कई बार यहाँ के आवंटी लखनऊ विकास प्राधिकरण से अपनी शिकायतों को दर्ज कराते आ रहे हैं। फिलहाल अभी जो लिफ्ट फंसा, उसमें बच्चे फंसे थे, खैर उन्हें सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। अब आगे देखना यह होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर क्या कार्रवाई करता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। खबर लखनऊ से है, जहां हजरतगंज में एक यंग कपल का स्कूटी पर रोमांस करते वीडियो वायरल हो गया है, जिनको पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
गाजियाबाद के राजनगर स्थित रिवर हाई सोसाइटी में आवारा कुत्तों से परेशान होकर लोग छठे दिन भी धरने पर बैठे रहे। धरने के समर्थन में राजनगर एक्सटेंशन की कई सोसाइटी भी साथ खड़ी हो गई। धरने का समर्थन करने के लिए साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा मंगलवार को रिवर हाई सोसाइटी पहुंचे। सुनील शर्मा ने सोसाइटी पदाधिकारियों को आश्वासित किया कि उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए हर संभव का प्रयास करेंगे तथा कानून के दायरे में करेंगे। सुबोध त्यागी है, मैं इस राजनगर का अध्यक्ष हूँ RW का। सर, यहाँ आए दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुत्तों की इतने आतंक बढ़ रहा है, 70-80 कुत्ते हो रहे हैं और यहाँ आए दिन इतने बच्चे कट चुके हैं कि यहाँ मतलब कोई घर ही नहीं बच रहा जिसमें हमारी महिला और हमारे बच्चे नहीं कटे हों। उसमें 11 तारीख को यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिसको हमने बुला के कुत्ते प्रेमी बराबर कुत्ते प्रेमी ने एक सुरवीर रावत जी हैं उसे बुलाया और उसे बुला के पूरे दिन में 3-4 बजे पुलिस आई है। उसके बाद रात को इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया उसमें इन्होंने प्रयागराज की धरती धर्म अध्यात्म सेवा व समर्पण का संदेश देती है। संगम क्षेत्र में इन दिनों उसका साक्षात दीदार हो रहा है। माघ महीने में संगम के तट पर हर साल आयोजित होने वाले माघ मेला की विशेषता सिर्फ पुड़ी की डुबकी लगाने वाले यहाँ की कल्पवासी ही नहीं बल्कि यहाँ चलने वाले अन्य क्षेत्र भी यहाँ की विशेषता है। पूरे मेले के दौरान कोई भी यहाँ भूखा नहीं सोता। बता दें, इस मेले में हर किसी के लिए भरपेट भोजन का इंतजाम निःशुल्क किया जाता है। कुछ लोग तो इसमें अपनी सेवाएं भी देते हैं और कई आश्रमों की ओर से पूरे मेले में अनवरत अन्न क्षेत्र का संचालन किया जाता है। रहता है यहाँ संत रहते हैं तो यहाँ कहते हैं कि एक मन सोना प्रयाग में डेली बरसता है। किन्हीं न किन्हीं रूपों में वो अन्नदान के रूप में, द्रव्य में, स्वर्ण दान में, वस्त्र दान में, इसलिए प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा है और प्रयाग में कोई भी आता है तो भूखा नहीं जाता। उसी संकल्प को लेकर के ये सब भरद्वाज मानो सब की जितनी कुटिया यहाँ संतों की लगी है मानो भरद्वाज का आश्रम है ये। यहाँ भगवान देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी इन्हीं रूपों में यहाँ लोग आ रहे हैं और सबको बोल। खबर हरदोई से है जहां जिले में कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले के रहने वाले एक भाजपा नेता पर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगा है। मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सपा नेता की बेटी की शादी तय हो गई थी, इसी के चलते दोनों घर छोड़कर फरार हो गए हैं। 13 जनवरी को लगभग 2:30 बजे उनकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 26 साल है वह घर से कहीं चली गई। पता करने पर उनको पता चला कि आशीष शुक्ला नाम का एक व्यक्ति शादी का झांसा दे करके बाला फुसला करके उसको कहीं भगा ले गया है। पुलिस को इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र जो अभिता है जो गायब है उसको बरामद किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता हर्षराज। हर्षराज, देखा जाए तो सपा नेता ने आरोप लगाया है भाजपा के नेता पर अपनी बेटी को भगाने को लेकर। पूरा मामला हरदोई शहर कोतवाली के इलाके एक मोहल्ले का है जहां के भाजपा नेता जो 47 साल के हैं, ये भाजपा में इनका पद नगर महामंत्री आशीष शुक्ला है, ये समाजवादी पार्टी के नेता की 26 साल की बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगा है। बता दें, भाजपा नगर महामंत्री आशीष शुक्ला और राजू शुक्ला 13 जनवरी को उनकी बेटी की शादी का झांसा देकर भगा ले गए हैं। लड़की के पिता सपा नेता की माने तो 47 वर्षीय आशीष शुक्ला दो बच्चों के पिता हैं और बीमा एजेंट का काम करते हैं। आशीष शुक्ला और राजू ने उनकी 26 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर फरार हो गए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। खबर बुलंदशहर से है जहां लगातार पारा गिरने से खेतों में फसलों को भारी क्षति हो गई है, जिसके बाद किसानों ने परेशान होकर फसल क्षति का आकलन कराकर सरकार से आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। बता दें, ये सारा मामला बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र के अजीबाबाद गांव का है। बर्फ पड़ रही है कितनी और लहटा को आलू नुकसान है सगड़ो कछुना बचरो लहटा में गैया बेजार है विकट कछुरा छोड़ रही गैया बेजार कब तक बैठे रहे मैं तो जो बर्फ पर ये से कैसा नुकसान होगा। बहुत नुकसान है बर्फ से हमारा लहटा को ज्यादा और आलू को भी नुकसान है। तो कै दिन से बर्फ पड़ रही है। एक हफ्ता से हो गया या बर्फ को परत और देखो गे जम रही बर्फ।
सब हमारे तो मतलब आलू सब पारे थे खत्म है वो, लाह की खेती सब बेकार हैगी। देखो साहब क्या स्थिति है, मतलब आलू की और आगे पारो बर्फ कट रही है तीन चार दिन ते गई। कैसे किसान जीवे वो साहब, क्या करो जाए, मर जामे और क्या करे साहब। ये साहब देखो क्या स्थिति है साहब, लाहास और आलू सब खत्म है। तो रोजी इसी तरह की बर्फ पड़ रही है, रोजी इसी तरह की बर्फ पड़ेगी साहब, क्या करो जाए। चार दिन ते लगातार बर्फ पड़ रही है साहब। ठीक है साहब, कितना जबरदस्त पड़ो है, और पाँच सात दिन से लगातार पारो पड़ रो बहुत तगड़ो, और किसान कैसे जी रो दे, वो लहाया लहाया कि सब फरी जिंदगी सब टोटल, और कैसे जीवे हो किसान, और क्या हो गया कि हालत क्या होगी। तो ये पारे से किस तरह का नुकसान होगा, किस तरह का नुकसान होगा यहाँ में, तो कछु छोड़े हुए ना पा रहा हो तो कौन कौन सी फसल को नुकसान है। आलू को लहाया को तो बहुत जबरदस्त नुकसान है, आपको बहुत कर रो पारो पर रो, पाँच छः दिन के लगातार पर रो, और जंगल में खबर फरुखाबाद से है, जहां पांचाल घाट मेला श्रीराम नगरिया में मेला व्यवस्थापक के दाव और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर है। सैकड़ों और शौचालय के निर्माण का दावा करने के बाद भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें दिव्यांगों के अनुसार उनकी राउटियों से शौचालय करीब 200 मीटर दूर है, वहां तक जा पाने में वो अक्षम है। वही इस मामले को लेकर कई बार जिम्मेदारों से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये जो व्यवस्था कैसी है लाइट वगैरह और शौचालय की? शौचालय की हमारे इधर तो कतई बेकार है लाइट, लेथन। तो आप खुले में जाते हैं? खुले में जाते हैं बराबर। अच्छा, बहुत दूर शौचालय, बहुत सारे वहाँ नहीं जाते, वहाँ उधर हम पहुँच नहीं पाते, हम हमारी समस्या तो विकलांग है, आप दिव्यांग हैं? दिव्यांग। अच्छा, तो लाइट वगैरह कैसे? लाइट होंडल टंगा हुआ ना, लाइट है ना बहुत। अच्छा, तार में यहाँ बिजली है ही नहीं, वो खींच के लाइन खींच, लाइन में बिजली नहीं आई, आती है। अच्छा, अम्मा शौचालय वगैरह का व्यवस्था है? कछुना है, बड़ी दिक्कत हो रहा आपको? तो आप लोग फिर कहाँ जाते हो? तो खुले में जाता आप लोग शौचालय? अच्छा, तो कोई व्यवस्था वगैरह ना है? कोई आओ ना है, तो कोई ना आओ, औरों बिटिया बहनी है आपके संग? अच्छा, कितनी मड़ियाँ हुई? अच्छा, तो 30 व्यवस्था कैसी है आपकी? व्यवस्था तो इस साइड छठी सीढ़ी पर व्यवस्था बहुत कम है। अच्छा, तो ये शौचालय वगैरह की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल है नहीं यहाँ। आप दिव्यांग हैं क्या? हाँ दिव्यांग है। तो बैसाखी वगैरह के सारे चलते हैं? बैसाखी। तो फिर शौचालय बड़ी दिक्कत आती होगी? बहुत बड़ी, रात में तो बहुत बहुत परेशानी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे और क्या व्यवस्था कुछ है मेला प्रशासन तरफ से? व्यवस्था कोई लेटरी व्यवस्था बिल्कुल नहीं, और व्यवस्था लाइट की व्यवस्था है, लाइट की है। अच्छा, तो आपने कहा नहीं ठेकेदार वगैरह? कहा तो उन्होंने कहा, और दिव्यांग नोन के अलावा तो सब ऐसे ही बनाते रहते हैं। तो क्या कह दिया आपसे? ऐसे ही तमाशा बनाते रहते हैं, और दिव्यांग ढूंढ के लाओ। हम तो भैया ऐसे ही नहीं, नहीं, इस बार व्यवस्था कैसी है? कैसी ना, घर की जय मड़ैया यहाँ खेल जाए। तो शौचालय वगैरह है आपको यहाँ? आप कितनी मड़ैया होंगी आसपास? जी का सब मड़ैया जी। तो 30-40 ऊपर हैं? अच्छा, इधर आगे तक। अच्छा, तो यहाँ पे शौचालय वगैरह नहीं है? आप दिव्यांग हैं क्या? दिव्यांग हैं, विकलांग हैं। विकलांग हैं, तो फिर आप शौचालय वगैरह की दिक्कत बहुत होगी, फिर कहाँ जाते आप? जाइए खुले। खबर कासगंज से है, जहां नगर के मोहल्ला मूलचंद में चल रहे 5 दिवसीय मूलचंद क्लब कैरम टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मोहल्ला खैरूटी मोहल्ला मूलचंद की टीम को 8 पॉइंट से हराकर विजेता बनी है, जिसके बाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार स्वालेह अंसारी ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को चांदी के पेन और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया, और साथ ही सभासद गौरव कुमार गुप्ता और सभासद हलीम अंसारी को शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। बता दें इस मौके पर काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए खेलों में दिलचस्पी लेना भी ज़रूरी है। काम के साथ साथ इससे शरीर भी मजबूत होता है, और इसके अलावा और भी खेल हैं। ये तो इंडोर गेम है जो कमरे के अंदर बैठ कर खेला जाता है, लेकिन जो खेल मैदान में खेले जाते हैं उनका भी बढ़ावा देना चाहिए, और उसी से ज़्यादा शारीरिक ताकत बढ़ती है और नौजवानों में फुर्ती भी आती है, सोच भी बढ़ती है। अच्छा, यही पैगाम है कि खेलों में भी हिस्सा लीजिए, काम में भी हिस्सा लीजिए और पढ़ाई में भी हिस्सा लीजिए। ये सब बातें बहुत।
उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के दो नेताओं की गुटबाजी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क पर लगातार कभी कांग्रेस की तारीफ तो कभी मायावती की। अब सदर विधायक इकबाल महमूद ने जुबानी हमला अपने पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क पर बोलना शुरू कर दिया है। बता दें सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने बसपा अध्यक्ष मायावती की तारीफ की तो विधायक इकबाल महमूद ने उन पर पलटवार किया है। ऐसे में 24 संध्या 24 में पहले एसपी सांसद का ये बयान सामने आया है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है, 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं, दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं, मुसलमान उनको नकार चुका। और ये वो लोग हैं जिनको जिनकी वजह से, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली हमारे साथ जुड़ेंगे। मुबारक, देखा जाए सपा के नेता आपस में गुटबाजी कर रहे हैं, वहीं लगातार शफीक उर रहमान अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। आपको बता दूं जनपद संभल के डॉक्टर शफीक उर रहमान बरत जो बयानों में रहते हैं हर वक्त, और जो इसी पर पलटवार किया सदर विधायक इकबाल महमूद ने, जो अपनी पार्टी के सांसद पे जो जमानी हमला बोला है, और जो बताया इन्होंने जो उम्र ज्यादा है, अब इनके लिए राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो पार्टी की अपनी हर तरफ बदनामी में लगे रहते हैं, और इनके लिए ये भी बोला है जो मुसलमान तो इनके लिए नकार देगा। नकारने के बाद में जो जवानी हमला बोला, जो मायावती की इन्होंने तारीफ करी थी डॉक्टर बरक ने, और तारीफ करने वाले इसी को लेकर आज उन्होंने नवाज पाल ने बयान दिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक। खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हाईवे पर खनन की चेकिंग करने गए एसडीएम की गाड़ी में तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एसडीएम को मामूली चोट आई है जबकि 2 लोग गंभीर हालत में है। जो अभी दुर्घटना आई थी, इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए थे और ये दुर्घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी है आपको? अभी तीन व्यक्ति आए हैं, एक रमेश, अंकुर और उपेंद्र कुमार, ये तीनों लोग बता रहे थे, तीनों लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, जो किसी बस ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। तो ये आए थे, इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद, इनको सूचरिंग करने के बाद इनको घर भेज दिया गया है। कितने बजे आए हैं सुबह? ये सुबह 8:15 बजे आए हैं। आमने सामने गाड़ी में कौन कौन था? एसडीएम और किसी को कोई चोट तो नहीं? ड्राइवर और अर्दिल। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।